नमस्कार सभी को। आज के इस संभाषण के सत्र में आज बात करते हैं, ये कंटिन्यू सेशन है। जैसे कि लास्ट सेशन में हमने कीमोथेरेपी और उसके साइड इफेक्ट्स को लेकर चर्चा की थी, आज के सत्र में इसी को कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक ये बहुत ही नीडेड टॉपिक है, जिसमें हमने देखा किस प्रकार से जब किसी महिला या किसी व्यक्ति को भी, वैसे तो हम लोग ज्यादा महिलाओं के बारे में बात करते हैं, बट किसी व्यक्ति के साथ भी ये मौका आता है या ये हादसा उसके साथ हो जाता है, जब उसको कैंसर हो जाता है तो अलग अलग ट्रीटमेंट मोडालिटीज के साथ उसको चलना पड़ता है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरीज, और काफी सारी दिक्कतें होती है और बहुत ही मतलब अलग अलग लेवल की हानियां होती है। एक सोशल स्टिग्मा होता है, साइकोलॉजिकली बहुत हानि होती है, फिजिकल होती है, आर्थिक नुकसान होता है और बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बेंसेस लाइफ में आते हैं। और इन सभी के साथ जूझते जूझते अगर वो पॉजिटिव वे में चल रहा है तो इट्स ओके कि वो डील करता है, बट कई बार फिर भी इन सभी का दबाव, शारीरिक मानसिक स्थिति और सभी पर, यानी आपकी हर एक सिस्टम, मैंने उस दिन भी समझाया था कि किस प्रकार से ये जो कीमो ड्रग्स होते हैं वो किस प्रकार से, एक तो वो ठीक है, दे स्टॉप द डिवीजन, माइटोसिस वो स्टॉप कर देते, सेल डिवीजन को स्टॉप कर देते हैं, बट इसी के साथ जो नॉर्मल सेल है उसको भी वो एक प्रकार से डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हमने देखा कि कैसे वो जाकर स्काल पे नॉर्मल सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसके कारण हेयर लॉस ये लक्षण होता है, वो जाकर डाइजेस्टिव सिस्टम के भी सेल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से एक सेल डिवीजन को रोकने के साथ साथ शरीर पर कुछ अलग से परिणाम भी दिखाई देते हैं, उसमें से कुछ परिणामों के बारे में हमने पिछले सत्र में चर्चा की थी। आगे बढ़ते हैं, आगे जैसे पहले सत्र में मैंने कुछ नोजिया, वोमिटिंग, एनोरोक्सिया, फटीग ऐसे लक्षणों को लेकर बात की थी, आगे इसमें हम और अलग लेवल पर जाकर विचार करेंगे कि किस प्रकार से पेशेंट में क्या लक्षण होते हैं, और आयुर्वेदा एज अ एक एडजुवेंट थेरेपी मानिएगा, या एक प्रकार से आजकल आयुर्वेद की तरफ लोग अलग साइंस के नजरिए से देखते हैं, और जैसे मैंने उस दिन भी समझाया था कि किस प्रकार से आयुर्वेदा को आप उन स्थिति में भी अपना सकते हैं, यानी ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। अभी मैं आगे बताऊंगी कि कैसे, जैसे म्यूकोसाइटिस एक बड़ा ही इसमें ये होता है, बहुत ही ज्यादा एक अल्सरेटिव टाइप का म्यूकोजल लेयर पे इंफ्लामेशन आ जाता है, उसमें मैं बताऊंगी कि किस प्रकार से हम लोग एज ए प्रिवेंटिव थेरेपीज के रूप में भी आयुर्वेदा के कुछ मेडिसिन्स का प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते के साथ साथ यहाँ पे आगे आता है हियरिंग इम्पेयरमेंट, जैसे कि ज्ञानेंद्रियों के कार्य की हानि होनी ही है एक प्रकार से, एंड जो टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं कीमोथेरेपी के दौरान, ये अफेक्ट करते जाकर आपके नर्वस सिस्टम को, और निश्चित रूप से इसका परिणाम अलग अलग आपके इंद्रियों पर होना है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं टिनिटस, यानी हियरिंग लॉस। प्रीडोमिनेंटली इट इज ड्यू टू द वात प्रकोप, हम सभी जानते हैं एज पर एज हियरिंग कैपेसिटी कम होती है, और ये वात डोमिनेंट स्टेज है या वात डोमिनेंट ही लक्षण है। बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर हमने देखा मुख्य रूप से जब जो कोई ट्रीटमेंट हम लोग कीमोथेरेपीज के ड्रग्स यूज करते हैं, इसमें सबसे पहले दुष्ट होता है वात, सेकेंड लेवल पर पित्त, और फिर थर्डली कफ दोषा। तो वात का शमन ही हमारा यहाँ पे ये रहेगा, प्लान रहेगा, ट्रीटमेंट प्लान प्रोटोकॉल। अभी नर्वस सिस्टम की बात है, ज्ञानेंद्रियों की बात है, तो ज्ञानेंद्रियों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए नस्य से बेहतर कोई विकल्प नहीं, वी मस्ट गो विथ नस्य। नस्य के लिए मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगी अणु तेल, षड्बिंदु तेल और मूर्धनी तेल, जो कि जाकर बहुत अच्छे से एक रिकवरी के लिए बहुत अच्छा यहाँ पे रिजल्ट देता है। नासा जाकर शिरो में किस प्रकार से काम करता है हम सभी जानते हैं, तो ये जाकर नेजल कैविटीज से एब्सॉर्ब होकर ऑयल जाकर पहुंचता है ब्रेन कैविटीज तक, ब्रेन टिश्यूज तक, और वहां पर जाकर जो भी यहाँ पे टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उसको रिलीव करने का काम, रिमूव करने का काम भी करता है। इसमें दूसरी बात है कर्णपूरण, यानी फिलिंग ऑफ द ईयर्स विद स्पेसिफिक ऑयल विच इज द बेस्ट वाटर एलिवेटिंग एलिमेंट, बहुत अच्छे से आइडियल चॉइसेस कर्णपूरण, कर्णपूरण विथ यष्टि मधु घृत, कर्णपूरण विथ त्रिफला घृत, दिस बोथ यानी त्रिफला और यष्टि मधु बहुत अच्छे से ऊर्ध्व जठरगत विकारों में काम करते हैं, कान, नासा या चक्षुरेंद्रिय की क्षमता को बढ़ाने के लिए बेस्ट माने गए।
तो आप किसी भी तेल का, इवन आप गोघृत का प्रयोग कर सकते हैं, आप पंचगव्य का करिएगा जो सत्व गुण बढ़ाएगा, यहाँ पे वात बढ़ाए तो रजगुण बढ़ाए, तो इस प्रकार से कर्णपूरण इज द आइडियल चॉइस। नेक्स्ट, जैसे अगर आप दे सकते हैं वात के लिए तो एनिमा वगैरह भी दिया जा सकता है, रेगुलर रूटीन रूप से आप अभ्यंग करवाइएगा जिसके साथ भी वात शमन होता है, नाड़ियों को बल मिलता है अभ्यंग से, और एक प्रकार से नाड़ियां जितनी बलवान हो जाए उतनी नाड़ियों का काम भी अच्छे से सुकर तरीके से होने में मदद मिल जाएगी। इसमें आप फिर अलग अलग बल्य औषधियों का, रसायन औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं, अश्वगंधा है, बला है, या एरंड है, बिल्व है, आप त्रिफलक घृत या त्रिफलक गुगुल, दशमूलारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, क्षीरबला 101, षडबिंदु तेल कर्णस्य, या जैसे आप यहाँ पे एक पूरन, नासा पूरन या लगाना, एक पैकिंग करना गॉस पीस लेकर, ऐसे भी इसमें किया जा सकता है, द्राक्षावलेह, द्राक्षारिष्ट और सारस्वतारिष्ट, ऐसे मेध्य रसायन। एक बार मैं मेध्य रसायन के बारे में समझाऊंगी कि किस प्रकार से हम लोग अलग अलग मेध्य रसायन का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। मेध्य रसायन बहुत अच्छे से काम करेगा, आप जो भी चाहे इसमें वचा से लेकर ब्राह्मी तक जो भी द्रव्य अपनाना चाहते हैं उसको आप अपना सकते हैं, काफी अच्छे तरीके से ये आपके कॉग्निटिव डिफ्लेक्ट्स को, यानी धी ध्रुति स्मृति को इम्प्रूव करने का भी काम करता है। सो मेध्य रसायन बेस्ट है, शंख पुष्पी से लेकर ब्राह्मी मंडूक पर्णी वचा वगैरह जो सारे द्रव्य आते हैं ना, उन सभी का भी आप इसमें उपयोग कर सकते हैं। ऐसे कई सारे रसायन है, ब्राह्मी रसायन है, अमृतप्राश है, अश्वगंधा वलेह है, रेगुलर च्यवनप्राश है जिसमें काफी सारे कंटेंट्स है। अभी अश्वगंधा की बात करेंगे तो इसमें एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टी भी है, बल्ले भी है, रसायन भी, तो अश्वगंधा यूज करेंगे तो आपको सारे प्रॉब्लम्स, आपकी सारी समस्या यहाँ पे हल हो जाएगी, यानी आपको सब कुछ मिलेगा। बिकॉज ये अश्वगंधा जो है बहुत अच्छे से, यानी च्यवनप्राश या अश्वगंधावले जो है बहुत अच्छे से आपकी जो एक रेडिकल जनरेशन करना होता है या फ्री रेडिकल्स को जैसे डेवलप करना होता है, वो बात बहुत अच्छे से यहाँ पे ये अश्वगंधा भी करती है और ब्राह्मी भी उसके साथ उसी से लेवल पर जाकर काम करती है। स्पेशल जो हमारे एक्टिविटीज है, ब्रेन के फंक्शंस है लाइक लर्निंग और बाकी सारे साइंटिफिक फंक्शंस है, वो सारे मेमोरी रिटेंशन है, इन सभी का बहुत अच्छे से काम होता है, और इसके ऊपर तो लाइक स्टडीज भी हो चुकी है जो बहुत मायने में सफल रही है। तो इस प्रकार से आप अपने कॉग्निटिव डिफ्लेक्ट्स या इंद्रियों की क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से इन सभी द्रव्यों का उपयोग कर सकते हैं, और इसमें आपका जो भी अनुभव है या रेगुलर में रूटीनली हम जो भी कान या ऊर्ध्व जठरगत विकारों के लिए जो भी द्रव्य अपनाते हैं इन सभी को भी अपना सकते हैं। बट जैसे मैंने, हाँ एक और गुरु इसमें जरूर ऐड कर सकते हैं, कल्याणक गुरु जो आचार्य चरक चिकित्सा स्थान में बताते हैं, वो भी काफी अच्छे से इसमें आपको रिजल्ट देने वाला होगा। तो नस्य पीछू रखिए, शिरोधारा शिरोबस्ती जो भी कर सकते हैं टू इम्प्रूव द नर्वस फंक्शन, टू इम्प्रूव द ब्रेन फंक्शन, आप यहाँ पर कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ब्लीडिंग प्रॉब्लम। अभी ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स कीमोथेरेपी के साथ होना, जो लाइक प्लेटलेट काउंट कम होता है जिसके साथ फिर नॉर्मल जो कोगुलेशन प्रोसेस है, क्लॉटिंग होना है, 3 to 9 मिनट्स इज अ क्लॉटिंग, नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम होता है, इसमें ये नहीं हो पाता है, जिसके साथ फिर इजीली ब्रूसिंग, यानी कुछ भी, यानी हमने देखा ना कभी कभी आप पिक्चर्स में वगैरह देखते कि किसी यहाँ पर किसी को उल्टी आती, उल्टी में से खून निकलता है, तो समझ जाते हैं हम लोग बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले डायरेक्शन समझ जाते हैं कि भाई इसका कैंसर हो गया केवल उल्टी से। और वो पेशेंट भी, यानी जो भी हीरो होगा, हीरोइन होगी, जो भी कैरेक्टर होगा, वो भी जाकर फिर एकदम उसको झटका लगता है, वो जाकर बैठ जाता है और फिर धीरे धीरे बताता है कि अब मेरा कुछ खरा नहीं, अब मैं बहुत कम समय का ये हूँ, ऐसे करके चलता है। तो बिल्कुल यही बात है कि इजीली ब्रूसिंग, यानी कुछ थोड़ा सा भी लग जाता है, यानी ब्रश करते समय भी अगर ब्रश भी लग जाए गम्स को तो ब्लीडिंग होना, इजीली ब्रूस्टिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग, इवन कुछ अगर लग जाता है, कटछट हो जाता है तो भी बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट ब्लीडिंग होती है, नेजल कैविटीज से नेजल ब्लीडिंग हो या गम ब्लीडिंग हो, बिकॉज ये प्लेटलेट काउंट बहुत ही ज्यादा इसमें कम होता है, और यहाँ पर आपको जरूरत होती है बहुत बार कि आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें। और बिल्कुल जो भी यहाँ पे रक्त, जैसे हमने देखा ना, हम लाइक हेवी ब्लीडिंग में भी पेशेंट को बताते हैं, रिस्क एडवाइस करते हैं, अवगाहन एडवाइस करते हैं,
और हेड लो पोजीशन देते, तो बिल्कुल यहाँ पे सारी जो वाता प्रकोप एक्टिविटीज है इसको हमें स्टॉप करवाना होगा। सो स्टॉप इंडिजन एक्टिविटीज जो आपके रिस्क फैक्टर्स है, या ऐसे भी हो सकता है कि पेशेंट कुछ काम करने से भी इंजुरीज होती है, कहीं पर जाकर चढ़ रहा है, कुछ इधर उधर जाके काम कर रहा है, तो जहां पे ऐसी संभावना है कुछ रिस्क फैक्टर्स आपको लगते हैं इंजुरी के, वो फैक्टर्स को अवॉइड करना ये बेटर ऑप्शन है। प्लेटलेट काउंट ये डेफिनेटली कीमोथेरेपी के बाद रिड्यूस होता है, और जिसके साथ ही अभी दोषों की इन्वॉल्वमेंट देखेंगे तो प्रिडोमिनेटली वैसे तो वात भी है, इट इज एसोसिएटेड विद पित्त दोषा, पित्त रक्त का आश्रयशी संबंध है, तो बिल्कुल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमारी यहाँ पर वही रहेगी रक्त पित्त की चिकित्सा। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को जैसे ट्रीट किया जाता है आप स्तंभन से लेकर शोधन चिकित्सा तक यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं, एंड बिल्कुल प्रतिमार्ग हरण यानी मार्ग हरण की भी चिकित्सा करनी है आपको। दोषों को अभी जैसे नासा से खून निकल रहा है तो दोषों को अधो मार्ग से निकालिए, वही मार्ग से मत निकाल। तो इसमें हम लोग क्या एडवाइस करेंगे, विरेचन, सो थेरेपेटिक इमेसिस और पर्गेशन, यानी ये बहुत अच्छे से यहाँ पर अच्छे से काम करेगा। और बिल्कुल जैसे कि अगर प्योर ब्लड आ जाता है इसमें तो रक्त प्रसादन चिकित्सा भी करेंगी, दैट मीन्स टू प्रमोट द इरिथ्रोपोयासिस, ब्लड फॉर्मेशन की प्रोसेस को प्रमोट करने वाले द्रव्य जिसमें पुनर्नवा मंडूर से लेकर धात्री लोह, धात्रा रिष्ट वगैरह वगैरह सारे जो भी आते हैं इसमें। जैसे पित्त का प्रकोप भी है तो शमन चिकित्सा उद्योग रक्तक पित्त में दुर्वा, वासाघूत, वासास्वरस कारणस्य देना, या वासास्वरस से लाइक आप कॉटन में लेकर उसके साथ भी वहां पर जहां से भी खून निकल रहा है, लाइक अगर आपके माउथ से निकल रहा है तो वहां पर भी आप ये लगा सकते हैं। इसमें सारीवा, मंजिष्ठा, बोल यानी कुमारी जैसे द्रव्यों का भी काफी अच्छे से रिजल्ट मिल जाता है। आप वासा हो ले, वासा घूत, वासारिष्ट जो भी अवेलेबल है वो फॉर्म में दे सकते हैं। इसमें महामंजिष्ठ आदि कषाय भी दिया जा सकता है, और सारीवा द्यसो दिया जा सकता है, मंजिष्ठा चूर्ण दिया जा सकता है, मंजिष्ठा की वटी मिलती है सेपरेट वो दी जा सकती है। सो हमारा पर्पज यही रहेगा जैसे रक्त पित्त की चिकित्सा यानी ब्लीडिंग को स्टॉप करना है। बट मुझे लगता है इसमें जैसे प्लेटलेट काउंट कम होता है तो प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए भी आजकल जो सारे पपया वगैरह फलों का प्रयोग किया जाता है वो भी सारे इस ओवरऑल रक्त अम्ल शिशिर वृद्धि, तो आम्ल गुण, विटामिन सी, व्हाट एवर द फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर द ब्लड फॉर्मेशन, दे कैन बी इंट्रोड्यूस्ड, दे कैन बी इंजेस्टेड बाय द मीन्स ऑफ डाइट फूड, बाय द मीन्स ऑफ अदर मीन्स भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन बताया। जो भी द्रव्य समान के जो प्रकार है सामान्य विशेष सिद्धांत के अनुसार द्रव्य गुण कर्म इन सभी का उपयोग करके हम इस ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट कर सकते हैं। इसी के साथ अभी अगर कंटिन्यू ब्लीडिंग किसी पेशेंट को हो रही तो डेफिनेटली अल्टीमेटली द लेवल्स ऑफ रेड ब्लड सेल काउंट विल अल्टर, फॉल डाउन हो जाएंगे, ड्रास्टिकली फॉल डाउन होते हैं, इतना कि पेशेंट को बहुत कुछ भी नहीं कर सकता पेशेंट, यानी घर के घर में भी काम करना होता है, सो दे बिकम डिपेंडेंट। और डॉक्टर्स भी बताते कि फुल रेस्ट यानी फुल रेस्ट, यानी आप खाना हाथ में थाली लेकर ही जाएंगे पानी के साथ, पानी के ग्लास के साथ, इतना उसको मतलब एनीमिक होता है पेशेंट। सो पल्पिटेशंस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस फूलना, कुछ भी सीरिया चलने नहीं पाना, ऐसे भी एनीमिया की जो भी सारे लक्षण है, लॉस ऑफ अपेटाइट, लॉस ऑफ वेट, ये तो बाद में आएगा, तो शुरू में तो थकान, गिर लाइक ग्लानी, चक्कर सा आ जाना, पल्स रेट बढ़ना वगैरह, 70% ऑफ पीपल मे सफर फ्रॉम दिस सिम्टम एनीमिया, टायर्डनेस, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। तो बिल्कुल इसमें तो हमें जैसे अभी मैंने बताया कि रक्त धातु की मात्रा बढ़ाने के लिए जो जो भी आप ले सकते हैं डाइट में, जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस है इन द फॉर्म ऑफ आयरन के सोर्सेस है, नट्स, गुड़, जागरी, एप्रिकोट, अंजीर, रेजिन्स, काली मनु के, दाड़ी, ऑरेंजेस, सब कुछ जो भी आप, बीट रूट, जो भी आपको लगता है, पालक है, स्पिनाच है, जो भी आपको लगता है कि इसमें आयरन का अच्छा सोर्स है या मिनरल्स है विच आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन, तो जैसे जिंक है, फॉस्फेट्स है, आयरन है, लोह है, ऐसे सारे जो मिनरल्स यहाँ पे ब्लड फॉर्मेशन में लग जाते हैं उन सभी को देना है। यहाँ पर भी मेनली पांडु ये वैधि भी पित्त और आचार्य चरक और सुश्रुत के अनुसार इसको रस और रक्तवत स्रोतस का वैधि माना गया है। बिल्कुल इसमें दोनों धातु दुष्ट हो जाते हैं और पित्त का भी यहाँ पे प्रकोप होता है जो जाकर ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं, एंड विच अल्टीमेटली लोअर्स द काउंट।
इसमें ट्रीटमेंट जो पांडु रोग की ट्रीटमेंट है, जैसे एक्चुअली पांडु रोग की ट्रीटमेंट में विरेचन वगैरह भी बताया है, बिकॉज थेरापेटिकली पित्त दोष जो मॉर्बिड पित्त है उसको कॉम्बैट करने के लिए आइडियली वी मस्ट गो विद द विरेचन. तो विरेचन के पहले स्नेहपान करवाना है तो आई मस्ट सजेस्ट विथ त्रिफला. बहुत अच्छे से इसके साथ स्नेहन हो जाता है और आप शास्त्रोक्त तरीके से यहाँ पर विरेचन दे सकते हैं. अभी कभी कभी ऐसे होता है ना कि हमें लगता है कि पांडु में ऑलरेडी पेशेंट इतना थका हुआ है तो उसको और विरेचन देंगे तो वह थक जाएगा. आई नो दैट कि थक जाता है, बट पेशेंट की हालत को देखकर आपको ये तय करना है. बट सच में अगर विरेचन हो जाता है उसके बाद प्रॉपरली आप संसर्जन क्रम को फॉलो करते हो तो विद इन फ्यू डेज बहुत अच्छे से पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव हो जाती है. तो शुरू में लगेगा कि विरेचन के साथ पेशेंट को थकान होती है, बट परगेशन के बिना तो आई थिंक पित्त के लिए ज्यादा अच्छे ट्रीटमेंट नहीं है. और डेफिनेटली इसके साथ हमने डाइट चेंजेस है जो भी रिकमेंडेड, जैसे पांडु के लिए हम लोग सोचते हैं ना ज्यादा घी तेल दूध वगैरह मक्खन ऐसे द्रव्यों के साथ, जो भी नेचुरल नारियल है खजूर है डेट्स है इनका सोर्स. अब अग्नि करेक्ट करिएगा, आम पाचन करवाएगा, फिर जो भी देना है देते रहिएगा. आम पाचन विरेचन हो जाता है तो आप जो भी खान पान में बदलाव लाएंगे वो उसको अच्छे से सूट होगा और धीरे 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 उसका रक्त बनेगा. आप जैसे हमने पढ़ा ना कि रक्त धातु बनने में कम से कम 1 दिन 2 दिन या 5 दिन लग जाते हैं, बिल्कुल इसीलिए यहाँ पर आपको कम से कम 1 वीक की ट्रीटमेंट प्लान करनी होगी, जिसमें आप अलग अलग शिरपा कल्पना अलग अलग जो डेली घरेलू नुस्खे होते हैं गोंद के लड्डू खिलाना वगैरह वगैरह, जो भी मेथी का कटु पौष्टिक मानी है उसके लड्डू बनाकर या उसका जो भी प्रिपरेशन बनता है वो आप दे सकते हैं. खजूर का लड्डू बहुत अच्छे से रिजल्ट देगा. इसके साथ आप द्राक्षा अवलेह के रूप में दीजिएगा, मधुमालिनी वसंत वसंत कल्प सुवर्ण कल्प. बट सुवर्ण कल्प को डाइजेस्ट करने के लिए पहले तो पेशेंट का अग्नि अच्छा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी बन जाता है, तो वो आप दीजिएगा. आप मंडूर भस्म एडवाइस कर सकते हैं, गोमूत्र हरित की बेस्ट रहेगी. धात्री तो अल्टीमेटली अच्छी काम करती है. आप दंती और दाढ़ी मावले यह बेस्ट रिजल्ट. दाढ़ी मावले वगैरह कैसे आपके अनारोजिया अरुचि नोजिया वॉमिटिंग सभी में, मतलब आपके रक्त धातु और रस धातु के जो भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स है वो दाढ़ी मावले के साथ कम हो जाते. इवन कॉन्स्टिपेशन के लिए दाढ़ी मावले दिया जाता है, कभी कभी अतिसार में भी दाढ़ी मावले, क्योंकि दाढ़ी ये कषाय पित्त गुण वाला है तो वो मल को बांधने का भी काम करता है और ये एक प्रकार से उसमें अवलेह ही यानी मधुर रस है तो मधुर रस के साथ वो मल प्रवर्तन के लिए यानी कॉन्स्टिपेशन के लिए भी मदद, इट इंक्रीज द बल्क मास ऑफ स्टूल. सो दाढ़ी मावलेह जैसे प्रिपरेशंस जैसे कुष्मांड अवलेह है जो आपके हर लक्षण के ऊपर काम, ऐसे मेडिसिन की लिस्ट बनाइएगा और जो बहुत अच्छे से देखिए आप ये देते हैं तो पेशेंट का रक्त बढ़ेगा, पेशेंट की सभी धातुओं पर यानी ओज तक जाकर काम होगा. सो दाढ़ी में जैसे द्रव्य, फिर कटुकी है कुट इसका प्रयोग किया जाता है, बहुत लोग इसको अपनाते हैं. आरोग्य वर्धिनी है, मंडूर भस्म नवायस लोह दिया जा सकता है, मंडूर वटक है, पुनर्नवा गोक्षूर मंडूर पुनर्नवा गुगुल और सब कुछ लोह भस्म या सब सभी भस्मों मंडूर लोह ऐसे सबका कॉम्बिनेशन करके बहुत अच्छे से आप इस कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं पांडु को. आगे बढ़ते जैसे अभी मैंने बताया था म्यूकोसाइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, इट इज द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड और मोस्ट रिलीवेंट साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी. म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे हमारे सिस्टम्स में लेयर होता है ना म्यूकस मेम्ब्रेन का, तो ये जाकर जब इसमें सूजन आती है इसको कहते हैं म्यूकोसाइटिस एंड इट इज ड्यू टू द पित्त एग्रीवेशन. और अभी हमने देखा कि इसमें सारे केमिकल्स है दवाइयों में, तो वो केमिकल्स एक प्रकार से शरीर की एसिडिटी को डिस्टर्ब करते हैं या वो जाकर कहीं ना कहीं इस प्रकार से यहाँ पर म्यूकोसाइटिस बहुत ही ज्यादा कॉमन सा है. इसके साथ म्यूकोसाइटिस इट इज लाइक स्टोमाटाइटिस आप कह सकते हो, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन आती है. अभी जो जिस प्रकार से प्लान चल रहा है यानी आपकी क्या मेडिसिन यूज कर रहे हैं कीमोथेरेपी में और कितनी सीवियरिटी में कितनी
मात्रा में ये चल रहा है, यानी यूज कर रहे हैं आप, इसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि आपकी इस म्यूकोसाइटिस की सीवियरिटी क्या है, और इस प्रकार से आपको वहां पर जज करना पड़ेगा कितना फिर ये पेनफुल है, कैसा है, वो भी आप यहाँ पे देखिएगा। एंड जैसे कि हमें यहाँ पे पित्त चमन की चिकित्सा करनी है, डेफिनेटली आप लोकली भी कुछ लगा सकते हैं। ये मैं बताऊं, म्यूकोसाइटिस डेवलप ना हो इसके लिए पेशेंट की कीमोथेरेपी के 5 दिन पहले अगर आप त्रिफला चूर्ण या जिष्ठमद चूर्ण वहां पर आपके ओरल कैविटी में लगा देते हैं, ऐसे सिंपली, जैसे हम लोग घी वगैरह लगाते हैं ना, कभी मुखपाक हो जाता है तो वहां पर बोलते कि घी लगा दो, तो ऐसे ही आप डेली त्रिफला चूर्ण और जिष्ठमद चूर्ण एप्लीकेशन लोकल प्रतिसारण करते हैं बिफोर 5 डेज ऑफ कीमोथेरेपी, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो इसका इफेक्ट होना है या म्यूकोसल मेम्ब्रेन पे जो सूजन आनी है वो कम होगी, और वो कभी कभी नहीं भी होगी, जैसे मैंने बताया डिपेंड करता है कीमोथेरेपी के ड्रग के ऊपर। इस प्रकार से आप ये प्रिवेंटिव रूप में भी कर सकते हैं। अभी फिर हमारे पास तो कई सारे ये है, लाइक जिष्ठमद है, फिर पित्त शमन का जो भी प्रवाल, पंचामृत से लेकर प्रवाल पिष्टी, कामधुधा, मुक्ता भस्म, सब कुछ जो जो भी आप यूज कर सकते हैं उन सभी का भी आप प्रयोग कपर्दिका एंड शंख भस्म, ये दोनों भी काफी अच्छे से पित्त शमन के लिए यूज करते हैं। फिर इसमें आप अम्ल की शंख और कपर्दक ऐसे ऐड करिएगा, अच्छा काम होगा इसमें। और फिर द्राक्षा, तो जैसे मैंने दाढ़िंग का बताया वैसे द्राक्षा चूर्ण, द्राक्षावलेह, द्राक्षा घृत हर प्रकार से काम करेगा। यष्टि मधु भी, यष्टि मधु तो सारे त्रिदोषज यानी ऊर्ध्व चतुर्गत व्याधियों के लिए भी काफी अच्छे से काम करता है। और फिर शतावरी गुड़ दे सकते हैं इसमें, सुकुमार घृत भी दिया जा सकता है। पित्त शमन के जो भी ऑप्शन है आप यहाँ पे यूज करें, बट जैसे मैंने बताया कि आपको पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन को देखकर सौम्य प्रकार के द्रव्यों का ही प्रयोग करना ज्यादा बेहतर रहेगा, या अगर वो करते हैं तो मतलब ज्यादा बेटर हो जाता है। सो म्यूकोसाइटिस विच इज द वेरी मच कॉमन। एक और बहुत अच्छा इसका ये है, आप तो गार्गलिंग भी कर सकते हैं विद त्रिफला, जैसे मैंने प्रतिसारण बताया ना वैसे आप गार्गलिंग करें, खदिरादि वटी च्यू करने के लिए दे सकते हैं। और ये मैंने जो 5 डेज प्रायर बताया था त्रिफला चूर्ण या यष्टि मधु, इसके साथ शहद मिलाकर लगा दीजिएगा। और फिर अगर आपको लगता है खदीर भी व्रणरोपण अच्छा करता है, खदीर ये कषाय रस वाला है, तो जब वहां पर जो सूजन हुई ना, पित्त प्रकोप या इन्फ्लामेशन हुआ है म्यूकोसल मेम्ब्रेन का, वो कम करने के लिए खदिरादि वटी सिंपली पेशेंट को चूसने के लिए दीजिएगा। और फिर गार्गलिंग भी कर सकते हैं, गार्गलिंग तो दिन में 2-3 बार किया जा सकता है, गार्गलिंग के लिए तो कोई लिमिटेशन नहीं कि आप इतनी ही बार करें, गर्म पानी, हल्दी डालकर, नमक डालकर जैसे भी है, या त्रिफला चूर्ण डालकर जो भी है, आप इसको जरूर करवाइएगा। जैसे मैंने ये जो एक प्रकार से पित्तज मुखपाक के जैसे ही इसके लक्षण होते हैं, सो पित्तज मुखरोग या पित्तज मुखपाक आप इसको कह सकते हो, और जिसमें कि हमारा यही उद्देश्य रहेगा यष्टि मधु जैसे द्रव्यों का प्रयोग करें। इस प्रकार से म्यूकोसाइटिस ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, इसमें खदिरारिष्ट वगैरह भी दिया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या क्या हो सकता है इन पेशेंट के साथ। आगे है वेट लॉस। अभी वेट लॉस एक्चुअली लेटर ऑन स्टेजेस में ज्यादा होता है, मतलब पोस्ट पोस्ट कैंसर कहिए या कुछ 2-3 कीमोथेरेपीज के बाद। यूजुअली पहले मैंने देखा है कि पहले शुरू में कीमोथेरेपी हो जाती तो साइड इफेक्ट के रूप में कुछ लोगों का वजन बढ़ जाता है, बट अगर कैंसर की स्टेज, थर्ड स्टेज या स्टेजेस जो बताए गए उसके अनुसार वो होता है, तो फिर लास्ट स्टेज में बहुत ज्यादा वजन कम हो जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट भी होता है एंड वेट लॉस लॉस भी होता है। बिल्कुल जैसे हमने देखा कि इतनी सीवियर रूप से शरीर में ड्रग प्रवेशित हो रहे हैं, तो हमारे शरीर में फ्लूड का बैलेंस होना या न्यूट्रिएंट का बैलेंस बैलेंस होना बहुत ही ज्यादा, और शुरू में पेशेंट को जैसे कीमोथेरेपी स्टार्ट कर देते तो एनोरेक्सिया और नोजिया वोमिटिंग इतनी होती कि पेशेंट कुछ खा नहीं पाता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, पचा नहीं पाता है। सो जस्ट गो विथ स्मॉल मील्स, फ्रिक्वेंट मील्स विथ न्यूट्रियस, जो नारियल के लड्डू, खीर, जो भी ऐसे लड्डू के सारे प्रकार बहुत अच्छे से, थोड़ा आप दिन में रोज एक नया लड्डू खिला देते पेशेंट को तो नरिशमेंट भी होगा, जैसे नारियल के लड्डू तो अल्टीमेटली रसा, सभी आप मैंने जो जो भी लक्षण पढ़ाए उन सभी में भी ये काम करेगा। इसमें बिल्कुल वेट लॉस है, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी वेट
इसमें वात का ही कुशता, ये वात का लक्षण है। तो पहले इसमें हमें अजीर्ण अग्निमान्य जैसे लक्षणों को दूर करना होगा, फिर जाकर हम लोग कार्श की चिकित्सा करेंगे जो कि वात को बैलेंस करेगा। इसमें ब्रूहन, रसायन, बल्य, बल्क प्रोमोटिंग, मांस बढ़ाने की चिकित्सा, मांस बढ़ाने के लिए प्रोटीन्स, प्रोटीन्स यानी दाल, दालें भरपूर प्रकार से, उड़द की दाल जैसे दाल, या घर का खाना घी दूध मक्खन, और फिर इसके साथ जीवनीय गण, बला काकुली गिदारी क्षीर काकुली जैसे द्रव्यों का मिश्रण आप शिरपा के रूप में देते हैं, तो इट विल अल्टीमेटली वर्क फॉर वेट लॉस। और इम्पोर्टेंटली तो पेशेंट का मनोबल बढ़ाइएगा। और फिर आपके पास शुंठी है, शुंठी चित्रक मुस्ता जैसे द्रव्य जो अलग अलग रूप पे काम करते हैं, क्यूमीन यानी जीरक अद्यारिष्ट काफी अच्छे से काम करेगा। वो जीरक अगर यूज करते हैं ना, जीरक को भुर्जित करके घी के साथ पाउडर बनाकर भी दीजिएगा। अजीर्ण अनाह अजमोन अटो जीर और पाउडर और गुड़ को साथ में मिलाकर खाने को दीजिए। आयन भी मिलेगा, पेशेंट की रुचि भी बढ़ेगी, और रुचि बढ़ जाती है, अच्छी टेस्ट आने लगती है, तो पेशेंट खाना अच्छे से खा लेगा, और खा लेगा तो बिल्कुल अच्छे से पचा लेगा, तो धातु भी अच्छे बनने लगे। फिर हमारे पास तो अश्वगंधा से लेकर, वो लिस्ट मैं रिपीट नहीं करूंगी, आप सभी जानते हैं कि कैसे हम लोग अश्वगंधा, शतावरी जैसे द्रव्यों का, कुष्मांड जैसे द्रव्यों का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बाय द पॉइंट ऑफ व्यू टू इम्प्रूव द टेस्ट एंड अजीर्ण अग्निमान, हिंगवाष्टक चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, ऐसे कितने सारे चूर्ण है, बहुत बेस्ट है, पंचकोल, त्रिकटू, चतुर्जात, त्रिजात वगैरह वगैरह, और पंचकोलासव, पंचकोलारिष्ट, अजमोदा चूर्ण वगैरह, कितने हैं, कितने सारे हमारे पास प्रिपरेशन है जो कि बहुत अच्छे से अजीर्ण या रुचि पर काम करते, बेस्ट तरीके से आप इस वेट लॉस को मैनेज कर सकती है एक्चुअली। बट वेट लॉस यानी वेट बढ़ने में थोड़ा समय लगेगा, इट्स ओके, उतना तो लगने दीजिएगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे है स्लीप डिस्टर्बेंस यानी नींद ठीक से नहीं आना। ऑफ कोर्स क्यों नहीं आएगी नींद ठीक से, बताइए बताइए शुभ्रा जी, सुवर्णा जी, बिल्कुल ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ रजत, एंजाइटी चिंता, और पता नहीं उसके मन में क्या क्या होता है कि मैं कैसे बाहर आऊंगा, नहीं आऊंगा, मर जाऊंगा, मेरे परिवार का क्या होगा, पैसे बहुत लग रहे, न जाने क्या क्या प्रश्न उसके मन में होते हैं, जिसके साथ तनाव तो होना ही है, एंजाइटी डिप्रेशन वरी और स्ट्रेस इसके साथ, तो कैसे उसकी उसकी नींद, उसको नींद कैसे आए। एंड फॉर दैट पर्पस रेगुलर जो हम लोग स्नेहन कराना, स्टीम बाथ, या जैसे अवगाहन, सीड्स बाथ, पूरी अगर घर में अवेलेबल हो तो टब बाथ, ऐसे करके, और फिर आप जैसे मैं इसमें भी जरूर बताऊंगी, वेट लॉस में भी आप पिंड स्नेहन, पिंड स्वेद का प्रयोग कर सकते हैं, शिष्टिकशाली पिंड स्वेद वगैरह ऐसे करिएगा। आप खान पान में भी रखिए, बट अगर आप ऊपर से भी लगा देते हो तो मांस धातु को बल मिले। फिर इसमें इसमें भी स्लीप डिस्टर्बेंस में भी हमें रजोगुण कम करने के लिए शरीर का पोषण करना होगा, सत्वगुण को बढ़ाना होगा। पोषण जितना अच्छा हो जाएगा उतनी इंद्रियों की तृप्ति होगी, इंद्रिय जितनी अच्छे से तृप्त रहेगी उतना मन शांत रहेगा, मन शांत रहेगा तो नींद आने में मदद मिलेगी। एंड इस प्रकार से, यस सुवर्णा जी बिल्कुल, तो इस प्रकार से हम जो भी सारे उसके पसंदीदा खान पान है, जिसको पादाभ्यंग कर सकते हैं, रात्रि में शिरो पीछू लगाइए, शिरो अभ्यंग करवाइएगा, पसंदीदा व्यक्ति की कंपनी के साथ उसको, प्लीजेंट म्यूजिक, स्मेल, खाना अच्छा, अच्छे से कंफर्टेबल बेड पर उसको सुलाए, क्यों नहीं नींद आएगी। अगर अच्छे से आप इसको माइंड को सूथ करा देते हैं, उसको जो पसंद है घी, माउस रस, सूप, वट एवर, फिर क्षीरबला ऑयल की मसाज, या क्षीरबला ऑयल 101 की कैप्सूल खाने में, महामाश ऑयल लगाना, फिर हमारे पास सारे जो मैंने अभी अभी बताया रसायन वाले द्रव्य है वो सारे देते हैं, श्वेत मूसली वगैरह, तो बिल्कुल ऐसे इसमें स्लीप डिस्टर्बेंसेस पेशेंट की कम होकर अच्छे से उसको नींद आने लगे। आगे बढ़ते हैं, लास्ट डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, दोनों प्रॉब्लम्स मिल जाते हैं। 50 to 80% ऑफ पेशेंट रिसीविंग कीमोथेरेपी एट इनिशियल स्टेज दे मे सफर फ्रॉम डायरिया, और बिल्कुल फिर पुअर क्वालिटी लाइफ और सब कुछ डिस्टर्ब। इसमें अतिसार आचार्य बताते हैं, पित्त जसी सार,
चक्कर आना, बहुत ज्यादा प्यास लगना, तो बिल्कुल हमें यहाँ पर शुरुआत में पेशेंट को अग्नि अच्छा करेंगे हम लोग। जैसे हमने देखा ना कि पुरुषम वायवाग्नि दीप्तम, पुरुष ये वायु और अग्नि का धारण करता है, पुरुष की विकृति है यानी वायु और अग्नि की विकृति है। तो वात को शांत करिए और अग्नि को करेक्ट कर, बस दो प्रिंसिपल्स फॉर ट्रीटिंग अतिसार, पुरुषम वायवाग्नि धारणा। इसमें छाछ, सिंपल तरीका, छाछ बनाइए पतला वाला, इसमें थोड़ा सा पेपर पाउडर या चित्रक चूर्ण डालकर अच्छे से देते देने से पोटेंशियली बहुत अच्छे से इसमें बेनिफिट मिल जाता है। पिपलादि योग है, दाढ़ी मष्टक चूर्ण, दाढ़ी मावलेह, कुटच, कुटच थोड़ा सा ये हो जाता है, कुटच अरिष्ट वगैरह, तो डायरिया के लिए बहुत अच्छे से काम करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी स्तंभन चिकित्सा करनी है। और इसी के साथ साथ जिन पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन भी होता है, जैसे मैंने बताया ना कि वात प्रकोप है, कीमोथेरेपिक जो एजेंट्स है ये वात को भी बढ़ा देते हैं, ड्राई आपके कोलन को, इंटेस्टाइन को पूरा रूखा सूखा बना देते हैं। अभी कोलन ड्राई हो जाएगा तो वहां की जो मांस धातु है, मांसपेशिया है, इसकी गति में भी बाधा आएगी, और जो मल ठीक तरह से उस मांसपेशियों के कारण संकोच विकास की क्रिया से जिस प्रकार से धीरे 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 मलाशय से बाहर आना चाहिए वो नहीं आ पाता है, इसके लिए प्रवाहन करना पड़ता है, जिसके साथ मसल पेशी में ताण आता है यानी वात प्रकोप, और फिर बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के लिए आपको दूध, दूध घृत, त्रिफला का काढ़ा, एरंड तेल थोड़ी मात्रा में, त्रिफला चूर्ण गर्म पानी के साथ, गंधर्व रितकी, जो भी रेमेडीज आपके पास अवेलेबल है उन सभी का, अगर जरूरत ज्यादा पड़े तो इसबगोल वगैरह भी यूज किया जा सकता है। ऐसे सारे द्रव्यों का प्रयोग करके आप कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन इज नॉट अ बिग इश्यू, इट इज नॉट अ बिग डील, बट फिर भी इसके साथ पेशेंट को समस्या होती है। तो जैसे हम लोग बाउल मूवमेंट को रेगुलर, देखिए इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम को एक बार रेगुलराइज हो जाते हैं ना, यानी पेशेंट का नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया कम हो जाए, उसको अच्छे से प्रॉपर मल आ जाए, तो पेशेंट फिर एकदम अच्छे से खाना खा लेता है और धीरे धीरे धातु का बल वगैरह बढ़ता है, वजन भी ठीक ठाक बढ़ने लग जाता है। ऐसे इतनी इसमें ये नहीं होती, समस्या नहीं होती है। तो बिल्कुल इसमें बिल्व वगैरह का भी काफी अच्छा रोल रहता है, बिल्वादी लेह वगैरह आप दे सकते हैं अतिसार में। और कॉन्स्टिपेशन में जैसे मैंने बताया, आप खान पान पर ध्यान रखिए, जितना हेल्दी, जितना स्निग्ध वाला खान पान होगा उतना ही पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। तो इसी के साथ चलिएगा। और लास्ट में बताती हूँ मेंटल हेल्थ को लेकर, बिल्कुल मेंटल हेल्थ तो अफेक्ट होनी ही है, कॉग्निटिव डिस्टर्बेंसेस होते हैं, और कभी कभी पेशेंट तो इतने शॉक में, कभी कभी फिर उसको चक्कर आना, बातचीत ना कर देना, बहुत मतलब बहुत ही वो एक अलग दुनिया में चला जाता है, जिसके लिए मेद्य रसायन से लेकर नस्य, शिरोधारा, पीचू, बहुत अच्छे से ये थेरेपीज काम करेगी। इसमें ब्राह्मणी, जटामानसी, शतावरी, गुरुची, बला, सारे ये हमारे फेवरेट द्रव्य जो बहुत, शिलाजीत, सारस्वतारिष्ट, द्राक्षारिष्ट, च्यवनप्राश, कुष्मांड रसायन वगैरह वगैरह, जो मेंटली पेशेंट को स्टेबल, देखिए मेंटल स्टेबल कराने के लिए आपको शरीर का बल भी बढ़ाना होगा, तो जाकर जो मेंटल लेवल की एक वर्क होनी चाहिए वो अच्छे से होने में मदद, मतलब तो पेशेंट बहुत ही मेंटली हैम्पर हो जाता है, और इसीलिए वहां हमें इन कल्याण का वृत्त वगैरह भी दिया जा सकता है, इसके केसेस में वहां पर हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से आई थिंक आयुर्वेद में ये सारे जो भी फॉर्म, इवन ये जो मैंने सारे बताए ना, ये आप साइड बाय साइड आपके ट्रीटमेंट के साथ भी चला सकते, एसटी मधु, अश्व, क्या प्रॉब्लम है? मुझे नहीं लगता कोई डॉक्टर कहेगा कि आप च्यवनप्राश मत खाओ, आप ये मत पियो, आई डोंट थिंक। तो बस इसके साथ चलिए, तो कीमोथेरेपी या जो भी ट्रीटमेंट आपकी रेडियोथेरेपी चल रही उसमें निश्चित रूप से फायदा होगा, यानी उसको आप आराम से सहन कर सकेंगे, नो मोर कॉम्प्लिकेशंस, और कुछ भी ज्यादा यहाँ पर समस्याएं नहीं आएगी। इस प्रकार से आज के सत्र में मैंने आपको कीमोथेरेपीज के साइड इफेक्ट्स और उसमें आयुर्वेद कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है इसके बारे में बताया। पहले सत्र में मैंने कुछ लक्षणों को पढ़ाया था, आज
आगे के लक्षणों को बताया है। यस बोलिए मैम। आई होप कि ये एक अलग दृष्टिकोण है। और फिर हमारे पास हरिद्रा, मंजिष्ठा, अम्बलकी, ब्राह्मी, त्रिफला, ये 10 द्रव्य भी लेकर आप प्रैक्टिस में बैठ जाते हैं ना, तो आप 50-60% ट्रीटमेंट कर सकते हैं सक्सेसफुल। नमस्ते, बोलिए मैम। शशि जी, बहुत दिनों के बाद कहाँ थी? डॉक्टर हाँ जी मंदाकिनी, मैम, नमस्ते नमस्ते। वो नवरात्रे थे ना, तो नवरात्रों में वो साधना वगैरह और कीर्तन वगैरह ये सब सारी चीजें थी मैम, अच्छा, इस वजह से। नहीं, डांडिया गरबा हो गया चल रहा है क्या? डांडिया गरबा वगैरह तो नहीं, एक्चुअली सोसाइटी में होता है तो उसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ वगैरह होता है, थोड़ा सा कीर्तन होता है, फिर एक जगह साधना होती है तो साधना कर रहे थे जी अच्छा, मैम। ओके, यस। बोलिए आपका कुछ इसमें। मैम, कैंसर के पेशेंट तो ऐसा सच नहीं प्रॉपर ट्रीट करे हैं, बट हमारे नोन में किसी को हुआ था तो उस वक्त तो हम पढ़ते ही थे, तो फिर ज्यादा नहीं था उनका, क्योंकि सार्कोमा था। और उसी वक्त ही जब उनका आया था रिपोर्ट, तो मेरे सर ने जो मुझे सर्जरी पढ़ाते थे उनको मैंने फोन करके पूछा था, तो उन्होंने कहा था 8 या 9 मंथ पेशेंट सर्वाइव करेगी। और फिर सच में ऐसा हुआ कि उनको मतलब अप्रैल लास्ट में डायग्नोस हुआ था, और अप्रैल लास्ट में डायग्नोस होने के बाद में फिर हुआ क्या, तो टाटा कैंसर चले जाए, तो उनके लॉज पुणे में रहते थे तो लोग वहां लेकर गए थे। और सोचो अप्रैल लास्ट में डायग्नोस हुआ था और जिस दिन बायोप्सी रिपोर्ट आई उसी दिन वो चले भी गए थे, और फिर उसके बाद वाकई वो 8 मंथ ही सर्वाइव करे थे। उसमें उनका मतलब चूंकि पैरों में था तो पहले पैर कटा था एक बार एंकल ज्वाइंट से, फिर उसके बाद उन्होंने फिर से काटा था, कीमोथेरेपी वगैरह काफी हुई थी, रेडिएशन वगैरह सारी चीजें हुई थी उसमें उनका, लास्ट में देखा तो वो सब बाल्डनेस वगैरह सारी। और बिल्कुल मरने के 3 4 दिन पहले की बात है कि बहुत ज्यादा मतलब गैस बन रही थी, और मतलब मॉडर्न थी, किसी भी दवा से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, भूख वगैरह सारी चीजें मर गई थी, वेट बहुत ही ज्यादा कम हो गया था, और कमजोर इतने हो गए थे कि खुद उठकर बाथरूम नहीं जा सकते थे, मतलब उनके बेड और कमोड सीट के बीच की दूरी 3 फुट थी, मतलब बाथरूम के बिल्कुल बगल में बेड लगाया गया तो भी नहीं चल सकते थे, फिर उनको चेयर पर बिठा करके तब ले जाया जाता था। तो ये चीजें तो देखी हैं उसको, फिर मतलब उस टाइम तो कुछ भी नहीं ट्रीट किया था। और मैम जैसे आप खदिरादी बटी का बता रहे थे उसका बताना था, तो अभी मुझे किसी को खांसी आ रही थी तो मैंने खदिरादी बटी उनको दिया, फिर उनके बेटे को माउथ अल्सर था और उनको डाउट ये था कि ऐसा अल्सर है कि ऐसा तो नहीं है कि कैंसर वंसर हो रहा है, शायद बेटा खाता होगा गुटखा सुटका, तो खदिरादी बटी का 2 या 3 डोज में ही ठीक हो गया। तो मैंने फर्स्ट टाइम मतलब खदिरादी बटी का बहुत ड्रामेटिक रिजल्ट देखा, तो मुख Yes. पाक वगैरह के केस में बहुत बढ़िया रिजल्ट है मैम। मैम वो बहुत अच्छे से व्रणर ओपन करती है ना, हीलिंग टिक्का कषाय रस ना, खदीर के मतलब, इवन दो अगर आप कोई जख्म हुआ है उसमें भी खदीर की बट्टी ओरली यानी इंटरनली भी खाने को देते हैं ना, तो निश्चित रूप से व्रण पर फर्क आता है। जैसे अच्छा, जातेदी का प्रभाव मैंने होता है ना, वैसे आप खदीर आदि को भी यूज करके, आप खदीर आदि का काढ़ा, जैसे हम लोग त्रिफला का उपयोग करते हैं ना धावन के लिए, आप खदीर भी डाले उसमें, सच में आपको रिजल्ट, ड्रामेटिक रिजल्ट है। क्यों? अच्छा, इतना क्योंकि जल्दी मैंने से जैसे क्या शोषण हुआ करता है ना, ऐसे खींच लेता है क्ले को बहुत अच्छे से, खींच लेता माउथ डिसीजेस में तो यूज किया खदिरादी बटी, बट अभी क्योंकि मेरे पास इत्तेफाकन ऐसे केस बने हुए थे व्रण के, मेरे ऑफिस बॉय है उनका ही पैर जो बाइक की साइलेंसर होता है ना उससे पूरा जल सा गया था, तो उस केस में मैंने और भी मेडिसिन यूज करी थी तो उनका बहुत हो तो गया ठीक, शुरुआत में गलती करते उनका शोधोद्गृति दिया था मैंने लगाने को, तो मैम वो इतना ज्यादा पेस्ट कर देते थे को बहता हुआ सा था, हमने कहा इसीलिए हील ही नहीं हो रहा क्योंकि वो थोड़ा सा सूखने दोगे तो उसके बाद वो सूख गया, तो मैंने नहीं किया, आगे मैं करूंगी खदरियादी बटी, इस तरह के भी मतलब एक्सटर्नल जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं ऐसे। फिर। और जो मतलब चूसने के लिए कुछ देना हो तो तालीस आदि वटी भी काफी अच्छी है, लौंग आदि वटी दे सकते हैं आप, बहुत मैम अच्छे लौंग से। आदि बटी के मुझे बिल्कुल रिजल्ट नहीं आते, अच्छा, तो क्यों? बल्कि वही तो पहले पहले आता था मेरे कॉलेज टाइम में लौंग आदि बटी, या हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आने लगा हो, कॉलेज में तो लौंग आदि बटी इतना बढ़िया काम करती थी जब मिलती थी, अब नहीं काम करती है, 1% काम नहीं करती, पता नहीं क्या वजह है। और खदिरादी बटी वही पर ड्रामेटिक रिजल्ट दे रही, तो अब तो मैं इस तरह का कोई भी पेशेंट होता कास का है कुछ और मुख पाक वगैरह है एलादी, एलादी यूज किए क्या? एलादी का भी अच्छा होता है एक्चुअली ना, एलादी ज्यादा छब्दी जन्य रोगों में, खांसी में मुझे भी थोड़ा सा ऐसे नहीं लगा, नहीं लेकिन मिला छब्दी के मैम। लिए अच्छा है। हाँ सर्दी में होता होगा, सर्दी में एक्चुअली मैं कॉमन चीजें ज्यादा यूज करती हूँ, मुझे उनके 100% रिजल्ट मिलते हैं, जैसे नॉर्मली सिंपल सा है कि लौंग लीजिए और लौंग का पाउडर बना करके और उसको शहद के साथ चाटन दे दीजिए, तुरंत चाहे जितनी बड़ी वॉमिटिंग हो तुरंत चेक होती है,
तो यस मैं जब वो चीज बहुत सिंपल सी चीज से ही रिजल्ट आते हैं तो फिर मैं और दवा नहीं यूज करती मैं। यस यस बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली सर्दी कैसा है, एक साइकोजेनिक भी होता है, तो वो अपने आप भी कभी कभी रुक जाती है। बस अभी बच्चों में या जैसे प्रोजेक्टाइल है या कुछ इन्फेक्शन है फूड का, वहां पे थोड़ा विचार अलग से करना पड़ता है। नहीं तो यूजुअली तो गर्भिणी सर्दी वगैरह तो वैसे ही घर के घर में ट्रीट हो जाती है। नहीं मैम, मैंने बच्चों में यूज किया है। मेरे एक फ्रेंड थी, रात के 10:30 बजे एक बार मुझे 2-3 साल पहले फोन आया, तो बोल रहे बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही, किसी मेडिसिन से कंट्रोल नहीं रही, कुछ करो। तो फिर मैं अपने घर से लौंग लेकर गई, मैंने पूछा तेरे पास है, तो बोलती नहीं। फिर मैं अपने पास से ही लेकर गई, मैंने कहा अच्छा शहद तो रखा है ना, फिर मैंने चाटन कराया तुरंत रुक गया। तो मैंने बच्चों में भी यूज करके देखा है, मतलब थे वो 4-5 साल का रहा होगा उस वक्त, तो तुरंत आराम आया था। तो वैसे तो आया, छोटे बच्चों में अधिकतर उल्टा पुल्टा खा पी लेते हैं, तब उसका प्रॉब्लम का नहीं पता। और प्रोजेक्टाइल मोशन तो मैम बड़ी बात हो जाती है, वो तो बिल्कुल फिर वहां बिल्कुल नहीं रिजल्ट आएगा। जी मैम, थैंक यू मैम। बिल्कुल। इस मंदाकिनी जी बोलिए, अर्शिया जी, सुचेता जी, अर्शिया, डॉक्टर मंदाकिनी क्या वो खदीराधी वटी कास में भी दे सकते हो? देते हैं ना मैम, खदीराधी वटी यस कास मैम, में भी 100% रिजल्ट है। मतलब आप देते? एक बार चूसने को देखोगे, पेशेंट आपको बोलेगा कि मुझे सिर्फ यही चाहिए। मेरे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है। मतलब मुझे, मैंने जिन लोग को 2-3 चीजें अभी चलाई, एक फीवर था चलाया था, तो उनको त्रिभुवन कीर्ति का इतना बढ़िया रिजल्ट आया था कि मतलब वो एक खुराक में ही ठीक हो गए थे, जिसको कहते हैं। अच्छा, मैंने चलाया भले 3 दिन था, और ऐसे खदीराधी वटी का भी है। जी मैम, थैंक यू। यस यस बिल्कुल। मेरी मदर तो वो ऐसे कफ कास में तो वो लौंग चूस लेती है बस ऐसे ही, जो बहुत अपने घर लोग ना में वो कफ रहती है खांसी कि के नमक लिए वगैरह वो मेडिसिन चूस नहीं के लेना रहती है, चाहते, चूस के बहुत रहती है। लोग। अभी वो हट को भी गए थे, वहां पे वो मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं थी, तो वो लौंग रखते थे बस, वो कुछ हुआ तो लौंग ही चूसते रहते थे, उनका कम हो जाता था। मुझे भी ऐसे लगता है कि खांसी के लिए चाय नहीं में भी लेना लौंग चाहिए। बना के दे देती है। यस, या फिर यस कोई मैम, लोग ये शुंठी का ये बना देते, शुंठी गुड़ को कूट के ना उसकी गोली बनाकर वो खा लेते दिन भर 2-3 बार। हाँ मैम, मैंने ये बड़ा फेमस है ये शुंठी गुड़ वाला जो गोली है। इवन ये हम लोग प्रेगनेंसी में बता देते हैं कि एक एक गोली बना करके आप दिन भर में कभी भी जब मन करे, हल्की सर्दी खांसी हो तो चूस सकते हो आप यस यस। दिन भर में और केवल एक वो बार। ये भी करते हैं ना, डाइजेशन को भी अच्छा बनाते थे, है ना? थोड़ा सा मैम इसमें ना, तो हम लोग वो हल्दी भी डलवा देते हैं जो प्रेग्नेंट नहीं होती हैं उनको, शुंठी हल्दी और गुड़ की गोली। यूपी में बड़ा फेमस है ये। यस यस बिल्कुल। मैम जैसे लौंग, जब लौंग से आराम नहीं पड़ रहा हो, जैसे सिंपल लौंग चूसने से आराम होता है, ये जुकाम में हमेशा आता है, मतलब खासकर कास में, तब आप खदीराधी वटी यूज करो तो बढ़िया रिजल्ट है। जी मैम, यस मैम। और किसी का कुछ केस मैम आपका पेशेंट्स के बारे में बताइए मंदाकिनी जी, कुछ फॉलोअप हो तो। पिछले 2-3 पेशेंट्स थे ना आपके? हाँ मैम, वो लोग आए तो नहीं मेरे पास। एक लड़की थी जो टाइटिस वाली थी, हाँ, वो वो बच्चे आई का थी। क्या हो गया? वो वो बच्चा छोटा बोल रहे थे ना आपकी पानी की आया वजह ही नहीं, से। आज तक आया ही नहीं, नहीं आया वो, नहीं आया। फिर वो एक लड़की थी, उससे मैंने एक बात किया था आपसे कि उसको साइटिस का प्रॉब्लम था, दवा करके पेट आई थी, आराम हो गया मैम उसको दवाई से। फिर अच्छा आई थी दिखाने के लिए, लेकिन उसमें मैम प्रॉब्लम क्या है कि वो पी नहीं रही है, काढ़ा नहीं पी रही है। मतलब अच्छा मैंने बोला था कि कम से कम कुछ नहीं तो 2 घंटे पे 4-4 ढक्कन दोनों पियो, लेकर के कुमारी आसा और ये द्राक्षारस वगैरह। आराम तो पड़ गया उसको, दर्द में भी आराम हो गया, सब कुछ हो गया, पर वो पीने के लिए तो पीना पड़ेगा ना। अब हम तो जाएंगे नहीं दिल्ली के लिए। और हाँ एक ठीक है। आपने वो बीच में केस डाला था ना, जो लड़की का था, फीमेल 24 ईयर, जो आप बता रहे थे कि स्पॉटिंग थी, फिर बाद में आपने उसको थोड़ा तिल काढ़ा वगैरह देकर तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगी, तो फिर हमने उस दिन, अब शायद वो पेशेंट थे तो बोल नहीं पाई थी उसके बारे में कुछ। हाँ वो वाली पेशेंट आई थी अभी, उसका जीपन पाचन, हाँ हम, आपने बताया था उसको कामधुदा वगैरह देने के लिए, तो वो हमने दिया। हाँ मुझे उससे ये पूछना था कि मैम अगर हमें रेगुलराइज करना होता है डेटी कॉर्ड, जैसे एलोपैथ में तो 3 महीने साइकिल देते हैं, ओवरऑल वगैरह या कोई भी औषधि है, अपने में कैसे करते हैं? हम लोग मात्रा बस्ती देंगे, जैसे पीरियड के पहले 7 दिन अगर आप मात्रा बस्ती
और नस्य जैसे कुछ ये कर लेते हैं ना, तो फिर नेक्स्ट पीरियड में जो भी जैसे आपको लग रहा है कि भाई कष्टार्थ है या वातक प्रकोपक कुछ लक्षण मिल जाते हैं पेनफुल मेंसेस से या स्कैंटी मेंसेस से, तो उसमें इंप्रूवमेंट होती है। कुछ केसेस में अगर आपको लगता है कि हाइपर मेंसेस है यानी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, तो उसमें अभी हम लोग द्रव्य बदल देंगे। जैसे यहाँ पे चंदन बला लक्षादि चलेगा, जिनमें स्कैंटी मेंसेस है उसमें हम लोग बला अश्वगंधा यूज करेंगे, वहां पे हमें धातु बल बढ़ाना होगा। ऐसे विचार करके अब साइकिल के पहले 7 दिन की मात्रा बस्ती नस्य और मेडिसिन चला देते हैं ना, तो आप 3 महीने कंटिन्यू करके। मैम नहीं, ये लड़कियां जो है ना लेती नहीं है मात्रा, बस्ती बस्ती नहीं लेती, ये स्कूल जाने वाली बच्चियां होती है तो नहीं आती लेने के लिए। तो इस केस में मतलब इन हमें 3 3 मंथ तो रेगुलर करना ही पड़ेगा, तो वही पूछ रही थी कि कैसे करेंगे ऐसे ओरल केसेस में इंडिकेशन। जहां पर आपको मतलब स्कैंटी पीरियड के लिए विचार करना हो, तो मुझे लगता है कि हम लोग रसायन के साथ चले, जो भी धातु बल बढ़ाने वाला रहेगा, जैसे अभी इस्ट्रोजन जैसे जिसमें फाइटो इस्ट्रोजन वगैरह है, या आप शतावरी ब्राह्मी जैसे द्रव्यों का उपयोग कर सकती है, या उसका अश्वगंधा शतावरी ब्राह्मी का क्षीरपाक चलाइए 15 दिन के लिए पीरियड के पहले, या पीरियड के दौरान भी ये चल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। इसमें आप दशमलारिष्ट दे सकती है, आप इसमें पुष्यानुपचूर्ण चला सकती है, ऐसे करके भी आप पहले लड़कियों के लिए बात कर रहे स्पेसिफिकली, तो मैं ये लड़कियों के लिए ही बोल रही हूँ कि उसका फिर धीरे धीरे 3 महीने तक ऐसे कंटिन्यू देते तो साइकिल रेगुलराइज होने में मदद मिल जाती है। और बट अभी लड़कियों के लिए बोलिए बोलिए। उसका जो पीसीओडी का था जो वॉल्यूम बढ़ा हुआ है ना, उसका 10 से ज्यादा है, ऐसे 16 था का कोई तो 14 या 13 था ऐसे करके। तो इसमें बाकी भी साथ में गुबेराक्ष पट्टी लगा करके चला सकते हैं ना। कुबेराज दे सकते हैं, पुष्प धनवा यूज कर सकते हैं। तो कैसे मैम उसके उसका पीरियड इरेगुलर था, पहले पॉलीमिनोरिया विद स्कैंटी था, लेकिन अभी फिर दवा चलाई तो क्या हुआ कि हो गया टाइम, वो कहीं से मतलब उखा करके आई थी रजिस्ट्रॉन, वो किसी डॉक्टर से लिया था तो नहीं हुआ उसको, फिर मेरे पास आई 1 हफ्ते बाद। तो मैंने कहा अभी 10 दिन तो वेट करना ही पड़ेगा, कब हार्मोनल विड्रॉ हो जाए। तो मैंने कहा एक काम करो काढ़ा पी लेना, तो उसने अजवाइन पिल और गुड़ का काढ़ा पिया, तो उसको विड्रॉल ब्लीडिंग हो गई। अब क्या हुआ कि विड्रॉल ब्लीडिंग हो गई, लेकिन 2 ही दिन स्कैंटी पीरियड रहा उसका। उसके बाद फिर वो मेरे पास आई तो बोली मेरा बंद हो गया। मैंने कहा अच्छा, फिर लेकिन स्पॉटिंग स्पॉटिंग होती रही होती रही, तो फिर अभी तब मैंने ये पूछा। केस हर एक केस में अलग अलग विचार करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे में जी मतलब जो भी ठीक है। लक्षण रहेंगे बताइए बताइए। मतलब तो अभी मान मतलब लीजिए कि ब्लीडिंग स्पॉट हो जाए, स्टॉप हो जाएगी ना, तो दवा भी तो मिल नहीं रही थी यहाँ पे, जो गुगलू वगैरह था और वो पंचकोल चूर्ण भी नहीं मिला। तो फिर मैंने ऐसे उसको रसमलारिष्ट और ऐसे अपना पुष्यानु चूर्ण और ये क्या नाम है अशोकारिष्ट वगैरह दे करके, और मैंने इसको रोका हुआ। मैंने कहा अभी देखो हो जाएगा तो फिर आना बताना, तो शायद कल छुट्टी पड़ गई, फिर कल फिर छुट्टी है तो अच्छा फिर आके बताएगी, तो फिर उसके बाद फिर भाई करते हैं रेगुलराइज। हाँ, उसको बताइए फिर कैसे मतलब करना है, फिर हम लोग उस पर काम करेंगे। ठीक ओके ओके है। चलिए। और किसी का सुचेता जी आपका कुछ अनुभव, और बाकी तो फिर अगर आप ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो फिर हम कांजनार गुड़ हीरक भस्मा वगैरह बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। आजकल आयुर्वेदिक कैंसर की प्रैक्टिस बहुत जोरों पर है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी है, और लोगों को भी ऐसे लगता है ना कि कुछ अलग से मिले, करके फिर वो भी बहुत अच्छे से यूज करने चलते हैं करते हैं। ओके नमस्कार मैडम, सर नमस्ते, बोला बोला, नमस्कार बोला। बघितला स्क्रीन ओपन झाला तर तुमचंच नाव दिसलं, म्हटलं नमस्कार, वी यस मेट आफ्टर लॉन्ग टाइम। यस 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 काय म्हणताय तुमचं आहे आता हे नाही आता 29 ला ठेवलंय, बघूया आता किती काय बर होत त्याचे। हा येईल ना, रिस्पॉन्स तुमचं चांगलंच असतं आता, तुम्ही कॉम्बिनेशन दोघं आहात म्हटल्यानंतर। बिलकुल बिलकुल बिलकुल, काही सांगायचं तुम्हाला? नाही आधीचं चालू आहे का तुमचं? सॉरी, हाँ आधी से चालू आहे ओ आई एम माझं। सॉरी, आई एम जस्ट लिसनिंग, नहीं 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 सॉरी। इट्स ओके, आई एम जस्ट मतलब एंड एट द एंड ऑफ सेशन। तुम्हाला कंटिन्यू पडत पुढचं आहे का तुमचं? आय थिंक लिंक बर ठीक आहे, स्टार्ट, चालेल। हाँ ओके।
तुम्ही कंटिन्यू करा, मी लेफ्ट होते, मग तुम्ही नंतर मीटिंग हे करू शकता. चालेल. सात वाजता सर म्हणाले डॉक्टर नवीन. अच्छा, हाँ ते अरविंद सरांचं सेशन असेल बहुतेक. येस, त्याची लिंक वेगळी असेल. अच्छा, नाही मलाही पाठवले त्यांनी. हाँ हो का? मग ठीक आहे, चालेल. मी लेफ्ट होते, ओके. सर नाही येथील जॉईन होतील, काही सात हरकत वाजता नाही. आहे, अजून वेळ आहे, यू कॅन कंटिन्यू. हाँ, झालंय माझं आता. ऍक्च्युली झालं, सेशन संपत चालू होतं. काही किसी को कुछ अगर सवाल या कुछ आपका ये है तो, कॉन्ट्रीब्यूशन है तो प्लीज यू कैन. चालेल सर, मी लेफ्ट होते. मी तुम्हाला होस्ट बनवते.